एवरी एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज जिसमें आज है हमारा चैप्टर एट जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन यानी हमारी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर स्टैटिक मेथड्स इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है उनको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे जो हमें एज अ प्रोग्रामर और ज्यादा बेटर बना रहे होंगे तो एज यूजल पाइथन का अगर हमें कोई और टॉपिक पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्ले के अंदर अवेलेबल है हम थ्योरी कॉन्सेप्ट तो करेंगे ही साथ में बहुत सारा कोड लिखेंगे एंड जो चैप्टर की स्लाइड है उनको डाउनलोड करने का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर एट के साथ एवरी वन और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर एट के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल एंड इन फैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपसे इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनफैक्ट काफी सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट काफी सारे ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो हम कंपनीज के अंदर जाके यूज कर रहे होते हैं टू एक्चुअली बिल्ड सिस्टम वो उनमें से काफी सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग से

टू मैप विद रियल वर्ल्ड सिनारीड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन कोड शुरुआत में क्या होता था शुरुआत में हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करते थे प्रोसीजरल कहने का मतलब है कि सिक्वेंशियली सारा का सारा कोड लिखा जाता था फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मेरा एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू टेन मेरा दूसरा वेरिएबल है लेक मी जूमिन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी मैंने कोई सम बनाया है सम इज इक्वल टू दिस ए प्लस दिस बी देन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट माई सम ए प्लस या सीधा अपना सम वेरिएबल लिखते हैं उसके बाद मुझे कोई डिफरेंस कैलकुलेट करना है डिफरेंस के लिए आई एम गोइंग टू राइट ए माइनस बी एंड उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया अपना डिफरेंस इस तरीके से मैंने क्या किया बहुत सारा कोड इसको वैसे तो मैंने सिंपल आपको लिख के दिखाया है पर इसको हम बहुत सारे कोड की तरह इमेजिन कर रहे हैं जो एक के बाद एक के बाद एक हम लिखते चले गए अब फिर हमने सीखा कॉन्सेप्ट फंक्शंस का यानी शुरुआत की कई सारी जो क्लासेस थी उसके अंदर तो हम इसी तरीके से कोड लिखते जा रहे थे नॉर्मली एक सीक्वेंस में पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन फिर चौथी लाइन और हमें पता है एक सीक्वेंस में हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा इसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं उसके बाद फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया फंक्शंस ने हमें सिखाया कि हम री कैसे लेके आ सकते हैं कोड के अंदर रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए और री को लेके आने के लिए लेटमी राइट दीज वर्ड्स फंक्शंस की वजह से रिडंडेंसी डिक्रीज हो जाती है और री यूजेबिलिटी कोड की क्या हो जाती है बढ़ जाती है इसको कहने का मतलब है कि कुछ चीजें अगर रिपीट होती हैं तो उनको कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बना दो तो उससे क्या हो गई रिडंडेंसी डिक्रीज हो गई रीयूजिलिटी बढ़ गई अब वो जो हमने एक पीस ऑफ कोड बना दिया फंक्शन बोल के उसको हम बार 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 कितनी बार भी यूज कर सकते हैं दैट इज वाई फंक्शन रियली इंपॉर्टेंट तो बेसिकली हम प्रोसीजरल से फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर मूव कर गए जो कि बेटर है अब फंक्शन से भी एक और लेवल अब तरीका है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं इसके अंदर बेसिकली हमें पता है हम फंक्शन तो बना ही सकते हैं पर रिडेंडेंसी को डिक्रीज करने के लिए एंड री को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है री को बढ़ाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं अब जैसे कोड के अंदर फंक्शन को यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है हमारी मर्जी है अगर हमें फील होता है कि मुझे कोई एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसको मुझे फंक्शन बनाना चाहिए तो हम उसको फंक्शन बनाते हैं हम हर चीज़ को फंक्शन नहीं बनाते वैसे ही अगर कभी किसी कोड के अंदर हमें फील होता है कि हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है तब हम वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीटली हमारे ऊपर है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ रहे हैं पर इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना कंपलसरी नहीं है पर हाँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड डेवलपर इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर अच्छा रियल वर्ल्ड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लास दोनों टर्म सुनी होंगी ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं दिस दिस माउस इज एन ऑब्जेक्ट ये ये कीबोर्ड एक ऑब्जेक्ट हो गया दिस पेंसिल इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट तो यहां पर भी मतलब वही होता है मतलब किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है पर ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम उस ऑब्जेक्ट की क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले ऑब्जेक्ट की क्लास बनाई जाती है क्लास बेसिकली एक ब्लू होता है इन दोनों ही टर्म्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो पहले हम क्लास बनाते हैं जैसे हमारे स्कूल के अंदर एक क्लास होती थी फिर उसके अंदर एक एक स्टूडेंट को हम बिठाना शुरू करते हैं ये जो हमारा एक एक स्टूडेंट होता है दिस एन ऑब्जेक्ट दिस इज एन ऑब्जेक्ट दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम अपनी सारी चीजों को इमेजिन करते हुए चलेंगे कि जिन कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड में हम उनको किस तरीके से जोड़ सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंड इन फैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि पाइथन के अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के साथ हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती हैं लिस्ट आर ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रिंग्स होती हैं स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स एंड इस चैप्टर के एंड तक हमें धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है और कैसे हम इन्हें ऑलरेडी यूज करते आ रहे थे ऑल्सो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का चैप्टर होता है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है पर हम उसे बहुत आसान तरीके से समझ रहे होंगे विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली exactly क्या मतलब होता है सबसे पहले क्लास के बारे में बात करते हैं क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लू प्रिंट होता है जैसे मान लेते हैं किसी कार ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है अब कार की जो लाइन है जिसमें कार्स प्रोड्यूस होंगी जैसे अगर मर्सिडीज की जो जीएलएस है वो एक गाड़ी है अब उसे बनाने से पहले उसका तैयार होगा कि जितनी भी वो सेम मॉडल वाली गाड़ियां होंगी उन सबके अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए तो बेसिकली क्लास वो ब्लू है बताते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए अगर एक स्टूडेंट हम लेकर आने वाले हैं कॉलेज के अंदर तो उस स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपने सिस्टम के अंदर सेव करवानी पड़ेगी स्टूडेंट का नाम भी सेव करवाना पड़ेगा उसका एड्रेस भी सेव करवाना पड़ेगा उसका रोल नंबर भी सेव करवाना पड़ेगा कितनी इन्फॉर्मेशन है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें सेव करवानी पड़ती है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उसे हम एक क्लास के अंदर लिख रहे होते हैं एंड उसी को हम ब्लू कह देते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल हमें अपने कॉलेज के लिए कोई सिस्टम बनाना है अब कॉलेज हमें कहता है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है एक तो तरीका है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसे हम एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर लें जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय लिस्ट लिस्ट के अंदर पहले स्टूडेंट का नाम स्टोर कर लें दिस इज द स्टूडेंट्स नेम उसके बाद उनके मार्क्स स्टोर कर लें कुछ भी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं उसके बाद और डिफरेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लें हम लिस्ट से भी कर सकते हैं हम डिक्शनरी से भी कर सकते हैं हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं पर सबसे प्रैक्टिकल तरीका होगा एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करना कैसे सबसे पहले तो हम ब्लू प्रिंट डिफाइन करेंगे यानी क्लास लिख कर डिफाइन करेंगे हम स्टूडेंट के लिए क्या स्टोर कराना चाहते हैं तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं क्लास की वर्ड एंड उसके बाद हम लिखते हैं अपनी क्लास का नाम क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है जैसे वेरेबल्स का नाम होता है एंड जनरली जो हमारा क्लास का नाम होता है उसे हम कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करते हैं तो हमने एक क्लास बना ली स्टूडेंट नाम से और अब इसके अंदर हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए तो अपने कोड के अंदर लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ क्लास हम एक क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट एंड स्टूडेंट क्लास के अंदर लेट्स सपोज मुझे बस नेम सेव करवाना है अभी के लिए मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको मैं सेम नेम देना चाहती हूँ सबको मैंने क्या दिया है सेम नेम दे दिया है मतलब एक स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट बनेगा उसका नाम हमेशा यही नाम होगा अब क्या कर सकते हैं ये तो मैंने स्टूडेंट बना दिया पर क्लासेस को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते क्लास की फिर हमें ऑब्जेक्ट बनानी होती है इसको वैसे ही हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारी स्कूल के अंदर क्लास होती है पर उसके अंदर क्लास अकेली होगी उसका कोई फायदा नहीं होगा क्लास के अंदर जब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एक्चुअल स्टूडेंट्स उनका फायदा है तो ऐसे ही यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उस क्लास के ब्लूप्रिंट को यूज करके जैसे फैक्ट्री के अंदर ब्लूप्रिंट बना दिया कि एक गाड़ी के अंदर ये फीचर होनी चाहिए पर फिर एक्चुअली गाड़ी भी तो बनानी पड़ेगी उस ब्लूप्रिंट को यूज करके वो जो एक्चुअल गाड़ी बनती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं अपना ऑब्जेक्ट वेरिएबल उसका नाम इज इक्वल टू फिर क्लास का नाम एंड फिर पेरेंथेसिस तो इस तरीके से हम एक नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हीं को हम इंस्टांस कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इंस्टांस instance या इंस्टांसिस ऑफ क्लास तो जब भी हम इंस्टांस सुने जब भी हम ऑब्जेक्ट सुने वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग तो यहां पर अगर मुझे स्टूडेंट बनाना है एस तो उसे क्रिएट करने के लिए हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्टूडेंट जो मेरी क्लास का नाम है वो मुझे एग्जैक्टली exactly यहां पर लिखना है एंड फिर हम लगा देंगे अपने पेरेंथिस एंड उसके बाद हम चाहें तो अपने स्टूडेंट को प्रिंट कर सकते हैं लेट्स ट्राई टू प्रिंट एस वन जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे क्या प्रिंट हुआ एस वन के लिए एस वन के लिए प्रिंट हुआ मेन डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन पर बेसिकली हमें ये थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये क्या है ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हुई है हमारे कोड के अंदर और इसका टाइप क्या है ये एक स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट है जो हमारे लिए क्रिएट हुई है कोड के अंदर हम चाहें तो नेम को भी प्रिंट करवा सकते हैं अब ये जो नेम है क्योंकि ये ब्लू प्रिंट के अंदर था ब्लू प्रिंट के अंदर अगर हमने एक बार डिफाइन कर दिया कि हर गाड़ी का कलर ब्लू होना चाहिए तो जितनी भी गाड़ियां आएंगी सबका कलर ब्लू होगा तो इसी तरीके से ब्लू प्रिंट में अगर हमने डिफाइन कर दिया कि मेरे स्टूडेंट का नाम हर बार करण होना चाहिए तो जैसे ही हम एस डॉट नेम लिखेंगे वैसे ही मेरे लिए करण आकर प्रिंट होगा विच इज गोइंग टू बी द नेम सेम फॉर एवरी स्टूडेंट ऐसे ही अगर मैंने कोई दूसरा स्टूडेंट बनाया एस टू इज इक्वल टू स्टूडेंट और हम प्रिंट करेंगे एस टू डॉट नेम तो यहां पर भी सेम चीज प्रिंट होगी हमारे पास सेम वैल्यू आ रही होगी दोनों स्टूडेंट्स के लिए अब हम ये तो सीखेंगे कि इस वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं पर अभी के लिए बेसिक हमने ये देख लिया कि बेसिक तरीके से अगर हमें एक क्लास बनानी है तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट बनानी है तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं दिस इज अ क्लास एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं जिसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस कार्स तो हम एक क्लास बना सकते हैं लेट्स कॉल इट कार कि हर कार कैसी दिखनी चाहिए बेसिकली हर कार के अंदर हमारी सारी की सारी जो कार्स हैं उन सबको हम कलर देना चाहते हैं ब्लू मेरी सारी कार्स का कलर ब्लू होने वाला है अब हम अपनी कार्स को क्रिएट कर सकते हैं दिस इज़ माई कार वन कार वन इज इक्वल टू हमने क्या किया कार की एक ऑब्जेक्ट बना ली और अब हम प्रिंट करवा सकते हैं कार वन का कलर सेव किया रन किया कार वन का कलर इज इक्वल टू ब्लू इसी तरीके से हम और भी इसे पैरामीटर्स दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हर कार जो है उसका कुछ मॉडल होगा या उसका कुछ ब्रांड होगा लेट सपोज हमने जो फैक्ट्री निकाली है ब्रांड होगा मर्सिडीज तो अब अगर हमें प्रिंट करना हो अपनी कार का ब्रांड वी कैन प्रिंट इट लेट्स सेव एंड रन तो ये वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगी तो दिस इज हाउ अ क्लास इज क्रिएटेड एंड दिस इज हाउ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली द इनिट फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है हर एक क्लास के अंदर जिसको हम इनिट फंक्शन कहते हैं या इसे हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं ये जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे इन्वोक होता है इन होने का मतलब है एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई नई ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कार वन क्रिएट की तो क्या हुआ ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर जो था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया अगर कल को मैंने कार टू क्रिएट की तो दोबारा से मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होगा इनिट फंक्शन वो एग्जीक्यूट होगा अब इंटरेस्टिंग चीज ये है यहां पर हमें इनिट फंक्शन नहीं दिख रहा तो अभी के लिए क्या करते हैं एक बार इसे कॉमेंट आउट करते हैं अपने सिंपल एग्जाम्पल पे स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारी क्लास है स्टूडेंट तो स्टूडेंट के लिए वी कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑल क्लासेज है इनफैक्ट यहां पे होना चाहिए द ऑब्जेक्ट इज बींग इनिशिएटेड यानी जैसे ही आप क्लास को यूज करके एक नई ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली जो इनिट फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा अभी यहां पर अपनी क्लास के अंदर हमने कोई इनिट फंक्शन नहीं लिखा हुआ तो पाइथन क्या करती है ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक इनिट फंक्शन क्रिएट करती है और उसको एग्जीक्यूट जरूर करेगी चाहे आप एज अ प्रोग्रामर इनिट फंक्शन लिखो चाहे आप ना लिखो इनिट फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट होगा देयर विल ऑलवेज बी अ कंस्ट्रक्टर फॉर अस अब कंस्ट्रक्टर अगर हमें खुद लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं उस इनिट फंक्शन को हम बेसिकली अपना जो फंक्शन है उसे क्लास के अंदर लिखेंगे पहले हम लिखेंगे डेफ उसके बाद अंडर स्कोर अंडर स्कोर विल राइट आई एन आई टी यानी इनिशियलाइजेशन का शॉर्ट इनिट एंड दोबारा से अंडर स्कोर अंडर स्कोर जो सजेस्ट भी कर रहा है वी एस कोड दिस इज माई इनिट फंक्शन एंड इसके लिए पेरेंसेस लगा लेते हैं एंड इस इनिट फंक्शन के अंदर अब हम कोई भी काम कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर मुझे प्रिंट करवाना है क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट या प्रैक्टिकलिटी के लिए यहाँ लिख लेते हैं एडिंग न्यू स्टूडेंट इन डेटाबेस इस तरीके का हम कुछ लिख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने कॉलेज वाले डेटाबेस के अंदर नए स्टूडेंट की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं ये हमने बेसिकली लिख दिया इस नेम को अभी के लिए ऊपर रख देते हैं तो अब हम नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम अपनी एस वन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे वैसे ही सबसे पहले क्या होगा वैसे ही सबसे पहले इनिट फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा बेसिकली जब हम क्लास का नाम लिखते हैं और यहां पर हम ये जो पेरेंथेसिस पेरेंथेसिस लगा रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए लगाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज अबाउट द कंस्ट्रक्टर कि कंस्ट्रक्टर हमेशा एक आर्ग्यूमेंट लेता है या इसे कह सकते हैं एक पैरामीटर लेता है विच इज कॉल्ड द सेल्फ पैरामीटर मतलब इस तरीके से अगर हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमेशा एक सेल्फ पैरामीटर होगा तो यहां पर हमें साथ में लिखना पड़ेगा सेल्फ अब ये सेल्फ का क्या मतलब होता है सेल्फ का मतलब होता है जो नई ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हो रही है यानी ये जो एस वन ऑब्जेक्ट जो हम नई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसी को हम सेल्फ कह रहे हैं सेल्फ यानी मैं खुद तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके क्रिएशन पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसी का ये रेफरेंस है मतलब ये इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है तो एक बार इसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं तो एज सच हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया मैंने तो क्या लिखा मैंने एक क्लास क्रिएट की उसमें कुछ नेम था एंड देयर वॉज अ कंस्ट्रक्टर मैंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है अपने कोड के अंदर लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दिस कोड के अंदर सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है फिर भी क्या हुआ अपने आप ये चीज प्रिंट होकर आ जाएगी एडिंग न्यू स्टूडेंट इन डेटा बेस वाई बिकॉज ये जो कंस्ट्रक्टर है ये अपने आप इन हो जाता है अपने आप कॉल हो जाता है अच्छा अब देखते हैं कि ये सेल्फ क्या है हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं अपने सेल्फ को लेट सेव इट एंड रन इट तो क्या प्रिंट हुआ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं हम ये जो सेल्फ वेरिएबल हमने लिया है दोनों चीजें सेम है ये उसी को पॉइंट कर रहा है इनफैक्ट अगर मैं यहां पर प्रिंट करवाऊं एस वन लेट सेव इट एंड रन तो ये दोनों चीजें क्या हैं ये वाली लोकेशन एंड दिस थिंग दे आर बोथ द सेम थिंग्स ये जो एस वन वाली ऑब्जेक्ट है जिसको बस हमने नाम एस वन दे दिया है इंटरनली सेल्फ का वही मतलब है कि हम इस एस वन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और अब अगर हम अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग नाम देना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं जैसे एक हमारा सेल्फ पैरामीटर हो गया सेल्फ हमेशा फर्स्ट पैरामीटर होता है उसके बाद हम चाहें तो कोई फुल नेम नाम का वेरिएबल ले सकते हैं और यहाँ पर क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर ही है एक तरीके से यहाँ पर हम अपना नाम पास कर सकते हैं तो लेट सपोज फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका नाम हम करण रखना चाहते हैं अब हम हर स्टूडेंट का नाम करण नहीं रखेंगे तो यहां पर वी कैन डू इज हम सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू फुल नेम कर सकते हैं तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ जो भी वैल्यू हम यहां से पास करेंगे वो फुल नेम के अंदर आ जाएगी और सेल्फ के अंदर सेल्फ के अंदर बेसिकली एस वन वाले स्टूडेंट के अंदर नेम की वैल्यू नेम एक नया वेरिएबल इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा क्लास के अंदर जिसके अंदर फुल नेम की वैल्यू असाइन हो जाएगी तो जब हम एस वन डॉट नेम करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास कर लेट्स सेव इट एंड्रानेट एस वन डॉट नेम क्या आया करण आया आई होप ये हमें प्रोसेस समझ में आया होगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया कंस्ट्रक्टर अगर हम खुद क्रिएट नहीं करते तो पाइथन ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर देती है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है विच इज माई सेल्फ आर्ग्यूमेंट अगर इस सेल्फ को हम यहां पर नहीं लिखेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा अच्छा इस ये जो पैरामीटर हमारा होता है सेल्फ इसको जरूरी नहीं है कि हम सेल्फ बोले इसे अगर मैं ए बी सी डी बोलना चाहूं और यहां पर मैं लिखूं ए बी सी डी तो बेसिकली मैं कह रही हूं मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं नाम दे रही हूं दिस इज एस कि मैं अपनी ऑब्जेक्ट को ए बी सी डी बोलना चाहती हूं ये वाला कोड भी कंप्लीटली वैलिड है और इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा पर क्योंकि जनरली सारे के सारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यहाँ पे सेल्फ ही लिख रहे होते हैं क्योंकि अगर आप किसी और के कोड पर भी काम करोगे कंपनी के अंदर जाके तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वॉट इज एग्जैक्टली द रेफरेंस हेयर तो इसीलिए हम जनरली क्या लिखेंगे जनरली क्या हमेशा ही हमें यहाँ पे सेल्फ लिखने की कोशिश करनी है कोई और एज सच हमें खुद से नाम क्रिएट नहीं करना तो वॉट इज सेल्फ सेल्फ इज द रेफरेंस इनफैक्ट यहां मैंने लिखा भी हुआ है द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करेंट इंस्टांस ऑफ द क्लास यानी अभी जिस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी बात हो रही है अगर हम किसी नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो फिर उसकी बात होगी फिर किसी और को करेंगे तो फिर उसकी बात होगी एंड इट इज यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू द क्लास यानी क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग सेल्फ या फिर हम नए वेरिएबल्स जैसे इस नेम को हमने क्या किया क्रिएट कर दिया अब ऐसे ही हम कोई दूसरा स्टूडेंट बना सकते हैं एस टू इज इक्वल टू स्टूडेंट इसको हम नाम दे देते हैं अर्जुन एंड फिर क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे एस टू का भी नेम बिल्कुल सेम काम जो इसके लिए हुआ था वही सेम काम यहां पे होने वाला है इसको सेव कर देते हैं रन करते हैं क्या प्रिंट हुआ सबसे पहले तो करंट के लिए हमारे यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा तो उसने ये प्रिंट करवाया फिर हमने एस वन का नेम प्रिंट करवाया फिर सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहां पर तो कंस्ट्रक्टर हर नई ऑब्जेक्ट के साथ एक बार कॉल होता है तो यहां पर वो चीज प्रिंट होकर आ गई फिर हमने एस का नेम प्रिंट करवा दिया तो एस का नेम हमारे पास प्रिंट होकर आ गया तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर वर्क करता है एंड इस तरीके से हमारा सेल्फ पैरामीटर वर्क करता है सेल्फ पैरामीटर की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं अच्छा ये जो भी डेटा हम ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर करते हैं जैसे एस वन के लिए हमने नेम स्टोर किया या सारे स्टूडेंट्स के लिए नेम स्टोर किया इन सबको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं ये जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है इस सारे डेटा को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं यानी जो वेरिएबल्स होते हैं द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन साइड द क्लास और इन साइड द ऑब्जेक्ट या फिर इन्हें हम वेरिएबल्स कह लें इन्हीं को प्रोग्रामिंग के अंदर वी कॉल देम एट्रीब्यूट्स यहां पे हम चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज भी भेज सकते हैं जैसे फुल नेम के साथ हम अपने मार्क्स भी सेंड कर सकते हैं अच्छा यहां पे इसे फुल नेम बोलना जरूरी नहीं है हम चाहें तो इसे सिंपली नेम भी कह सकते हैं इसको नेम कह दिया इसको नेम कह दिया तो जब हम नेम कह रहे हैं यहां पर जब हम नेम लिख रहे हैं नेम का मतलब है जो पैरामीटर में नेम आया है और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम का मतलब है जो ऑब्जेक्ट के अंदर नया क्रिएट होने वाला है ऐसे ही सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स ये जनरली वो सेंटैक्स है जो हमें बहुत जगह देखने को मिलेगा इसीलिए मैं सेम नाम दे रही हूँ जनरली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को दोनों को सेम ही नाम देते हैं तो हम भी उसी की आदत डाल लेते हैं तो अब हम स्टूडेंट्स के मार्क्स भी सेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं लेट सपोज दिस इस कोड नाइन्टी एंड दिस कोड एटी तो अब हम चाहें तो एस नेम के साथ एस मार्क्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं एंड यहाँ पर एस मार्क्स को प्रिंट करवा सकते हैं सकते हैं ताकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑब्जेक्ट के साथ जाके स्टोर हो जाए और कल को इसी ऑब्जेक्ट से हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उसे किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वर्क उसी सेम डेटा को हम स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर करा सकते थे ये जो स्टूडेंट एंड मार्क्स का सेम डेटा है इसको लिस्ट के अंदर भी स्टोर करा सकते थे इसे हम डिक्शनरी के अंदर भी स्टोर करा सकते थे बिल्कुल कंपलसरी नहीं है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करना पर कई बार ऐसे रियल लाइफ सिनारियोज आएंगे जब हमें क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करना पड़ेगा पर अभी हम क्या कर रहे हैं सिंपल एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए तब हमारे पास ये सारी की सारी नॉलेज अवेलेबल हो Also, जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं इन्हें भी थियोरेटिकली हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं जैसे एक तो हो गया ये कंस्ट्रक्टर एंड इसी का एक और वर्जन बनाते हैं सपोज आई हैव दिस एडिशनल कंस्ट्रक्टर तो ये वाला फर्स्ट वाला ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक ही पैरामीटर है विच इज माई सेल्फ पैरामीटर तो ऐसे कंस्ट्रक्टर्स को जनरली हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं वी कॉल देम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम नहीं बनाएंगे तो बाई डिफॉल्ट उन्हें पाइथन बना देगा मतलब उसके अंदर डेफिनेटली दिस थिंग बी प्रिंटेड यानी अगर मैं यहाँ पास भी लिख दू या कुछ प्रिंट करवा दूं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आएगा एंड दूसरे होते हैं हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स का मतलब होता है वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर सेल्फ के अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स होते हैं तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आता है और ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आता है और एक ही क्लास के अंदर हम दो कंस्ट्रक्टर्स अगर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरीके से कॉल लगाई एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ वो कंस्ट्रक्टर एक एग्जीक्यूट हुआ जो आपके पैरामीटर्स के साथ मैच कर रहा है अब ये वाला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इससे हमारे पैरामीटर मैच ही नहीं हो रहे ऑब्वियसली तो ये वाला फंक्शन तो रन करेगा ही नहीं ये वाला फंक्शन रन करेगा एंड जनरली एक सिंगल क्लास के लिए हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स एज सच बनाते नहीं हैं हम क्या करते हैं अपनी नीड देखते हैं और उसके हिसाब से हम एक ही सिंगल कंस्ट्रक्टर जो है उसे डिफाइन कर रहे होते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर्स अब हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में हमारे पास दो तरीके के ऑलरेडी हमने देख लिया एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई भी डेटा यानी कोई भी वेरिएबल जैसे नेम हो गया ये मार्क्स हो गए ये एट्रीब्यूट वैल्यूज है मेरी क्लास के लिए अब जब भी हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं एक होते हैं हमारी क्लास एट्रीब्यूट्स जो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं जो पूरी क्लास के लिए मतलब जो क्लास ओन करती है और सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं और एक होते हैं इंस्टांस एट्रीब्यूट जो हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट नाम से अब स्टूडेंट के लिए पहले स्टूडेंट वन आएगा स्टूडेंट टू आएगा स्टूडेंट थ्री आएगा स्टूडेंट फोर आएगा इफ आई हैव अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट तो उसमें लेट सपोज दिस इज माई स्टूडेंट वन दिस इज माई स्टूडेंट टू दिस इज माई स्टूडेंट थ्री दिस इज माई स्टूडेंट फोर क्या मैं कह सकती हूँ हर स्टूडेंट के लिए नेम अलग होगा इसका जो नेम होगा वो एस टू वाले नेम से अलग हो सकता है इसका भी नाम अलग हो सकता है इसका भी नाम अलग हो सकता है ऐसा नहीं है कि हम एक बार नाम डिफाइन कर देंगे और सारे स्टूडेंट्स का सेम नाम हो जाएगा ऐसा नहीं होगा तो जितनी भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या स्टूडेंट इंस्टांसिस हैं उन सबके लिए नाम अलग होगा तो लॉजिकली अगर हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम अलग होगा तो क्या मैं कह सकती हूं ये जो नेम है ये एक ऑब्जेक्ट या इंस्टांस एट्रीब्यूट होना चाहिए मतलब ये एक ऐसा डेटा होना चाहिए जो हर ऑब्जेक्ट का अलग होना चाहिए तो ऐसा डेटा जो हर ऑब्जेक्ट का अलग होता है उसको हम सेल्फ डॉट करके डिफाइन करते हैं जैसे हमें पता है हर स्टूडेंट का नाम अलग होगा हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग होंगे तो हम सेल्फ डॉट लिखेंगे सेल्फ डॉट मार्क्स लिखेंगे तो सेल्फ डॉट नेम कहने का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट का नाम अलग होगा सेल्फ डॉट मार्क्स कहने का मतलब है सेल्फ यहां पे क्या है सेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है मतलब हम ऑब्जेक्ट के लिए मार्क्स डिफाइन कर रहे हैं हम यहां ऑब्जेक्ट के लिए नेम डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो नेम सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट मार्क्स है ये दोनों क्या हैं ये दोनों इंस्टांस एट्रीब्यूट्स हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होंगे सेकेंड चीज क्या मैं कह सकती हूं अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है क्लास नाम से तो इस स्टूडेंट इस स्टूडेंट इस स्टूडेंट और इस स्टूडेंट अगर हम सेम ही कॉलेज के डेटाबेस को बना रहे हैं सेम कॉलेज के कुछ सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ उस कॉलेज का नाम तो सेम होगा मतलब ये वाला स्टूडेंट भी उसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है ये भी उसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है ये भी उसी कॉलेज के अंदर ये भी उसी कॉलेज के अंदर तो सबके लिए कॉलेज का नाम सेम होगा तो क्या यहां पे मैं कॉलेज का नाम अलग से स्टोर करवाऊँ यहाँ पे कॉलेज का नाम अलग से स्टोर कराऊं यहाँ पे कॉलेज का नाम यहां पे कॉलेज का नाम क्या वो सेंस बनाता है वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं ऑब्जेक्ट्स अपनी मेमोरी के अंदर जगह को ऑक्युपाई करती हैं दे ऑक्युपाई स्पेस इन द मेमरी जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी और उसका नाम अलग से स्टोर होगा फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए नाम हमने डिफाइन डिफाइन किया है करण इसके लिए नाम कर दिया अर्जुन इसके लिए नाम डिफाइन कर दिया टोनी इसके लिए नाम डिफाइन कर दिया ब्रूस तो ये भी अलग से स्पेस ऑक्युपाई करेगी मेमोरी में ये भी अलग से स्पेस ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी में ये भी अलग से स्पेस ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी में ये भी अलग से स्पेस ऑक्युपाई करेगी मेमोरी में हर एक नई ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्युपाई करती है पर अगर मुझे पता चले जाए सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम ही डेटा मुझे स्टोर कराना है तो क्या मैं उसे चार डिफरेंट बार या कल को अगर मुझे थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स बनानी हुई तो क्या मैं उस सेम वेरिएबल को सेम सेम चीज को सेम एट्रीब्यूट को थाउजेंड टाइम स्टोर करवाना चाहूंगी बिल्कुल भी नहीं तो इसीलिए जो चीज कॉमन होती है उसे हम एक क्लास एट्रीब्यूट बना देते हैं और उसे हम एक टाइम एक ही सिंगल बार मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं कैसे जैसे अगर हर स्टूडेंट के लिए कॉलेज नेम सेम है तो कॉलेज नेम को मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ डॉट समथिंग नहीं यहां पे डिफाइन कर दूंगी दैट माई कॉलेज नेम इज एबीसी कॉलेज तो हर स्टूडेंट के लिए कॉलेज नेम सेम हो जाएगा मैं चाहूं तो आप कॉलेज नेम को प्रिंट भी करवा सकती हूं जैसे लास्ट में आई कैन प्रिंट एस टू डॉट कॉलेज नेम लेट सेव इट एंड रन तो एस टू के लिए उसके कॉलेज का नाम प्रिंट हो गया एंड ये जो वेरिएबल है कॉलेज नेम क्योंकि ये सेल्फ के साथ डिफाइन नहीं हुआ इसीलिए मेमोरी के अंदर एक ही बार स्टोर होता है अगर आप 10 ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर दोगे तब भी ये मेमोरी में एक ही बार स्टोर होगा पर क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए नेम डिफरेंट है तो वो मेमोरी में 10 बार स्टोर होगा क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं स्टोर करने के लिए मार्क्स डिफरेंट है तो मार्क्स भी अलग अलग हैं अलग अलग स्टोर होंगे तो जो चीजें कॉमन होती हैं सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए उन्हें हमें क्लास एट्रीब्यूट बना देते हैं और क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम सिंपली क्लास डॉट एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं जैसे यहां एस टू डॉट कॉलेज नेम लिखने की जगह मैं सीधा लिख सकती थी स्टूडेंट अपनी क्लास का नाम डॉट कॉलेज नेम ये भी कंप्लीटली वैलिड होता है उससे भी वही वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आती है पर अगर मुझे इस नेम को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम एस टू डॉट नेम या एस वन डॉट नेम इस तरीके से एक्सेस करते हैं अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और हो सकता है डाउट आ रहा हो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वन स्टूडेंट एस वन लेट्स ट्राई दिस फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर ही दो हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट है एक तो हो गया कॉलेज नेम और एक है कि बाई डिफॉल्ट हमने एक नेम वैल्यू लिख दी एनो निमस ये मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट का नाम क्या है क्लास एट्रीब्यूट में तो एनोनिमस लिख दिया और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने कारण पास कर दिया जब मैं यहां पर प्रिंट करवाऊंगी एस वन डॉट नेम तो क्या प्रिंट होना चाहिए यू कैन पॉज हेयर एंड थिंक एंड ट्राई टू गेस वैसे गैस करने वाली चीज नहीं है जब मैं इसे रन करूंगी तो मेरे पास करंट प्रिंट होके आएगा क्यों प्रिंट होके आएगा क्योंकि जब भी सेम नेम का मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है वॉट इज दिस दिस इज अ क्लास एट्रीब्यूट सेम नेम का जब हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है और सेम नेम का जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट की जो प्रेसिडेंस होती है वो क्लास एट्रीब्यूट से हायर होती है मतलब सेम नेम है तो हमेशा ऑब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस मिलेगी उसी को हायर प्रायोरिटी मिलेगी तो पर ऐसे जनरली हम करते भी नहीं है जनरली ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट हम सेम सेम नहीं रखते हैं वो जनरली उस केस में लिया जाता है लेट सपोज किसी ऑब्जेक्ट ने अपना नाम ही नहीं दिया किसी स्टूडेंट ने अपना नाम ही नहीं दिया तो उसका नाम बाई डिफॉल्ट एनोनिमस हो जाएगा दैट इज बेसिकली वन ऑफ द पर्पज इज वाई यू वुड यूज इट बट इन दिस केस इट इज नॉट मेकिंग अ लॉर्ड ऑफ सेंस पर यह जरूर याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट की सेम वैल्यू होती है हमेशा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को हायर प्रेफरेंस, हायर प्रायोरिटी मिलती है इन यूजेज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट मेथड्स अब जो भी हमारी क्लास होती है क्लास के अंदर दो चीजें स्टोर हो सकती हैं एक होता है डेटा और एक होते हैं कुछ मेथड्स डेटा का मतलब है एट्रीब्यूट्स तो क्लास इज अ बेसिकली क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स एट्रीब्यूट्स मैथड्स एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपके पास मेथड्स का मतलब होता है आप क्या क्या कर सकते हो जैसे कार है कार का मुझे ब्लू बनाना है तो पहले तो मैं बताऊंगी कि कार की माइलेज क्या है कार का कलर क्या है आ, कार का इंजन कितने सी का है या कार आ, का बेसिकली टायर का साइज क्या है इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई जाएंगी ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं पर फिर मुझे बताना पड़ेगा ये कार रन कैसे होती है कार स्टार्ट कैसे होती है कार स्टॉप कैसे होती है कार का इंजन कैसे स्टार्ट होता है जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उन्हें हम मेथड्स कह देते हैं तो मेथड्स आर बेसिकली फंक्शंस दैट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट्स जब क्लास के अंदर हमने कोई फंक्शंस लिख दिए फंक्शंस को ही हम मेथड्स कहते हैं जो फंक्शन क्लास के अंदर लिखे जाते हैं उन्हीं को हम मेथड्स कह देते हैं तो अभी तक जो हम स्ट्रिंग मेथड्स को पढ़ते आए हैं या हम लिस्ट मेथड्स को पढ़ते आए हैं या लेट सपोज कोई डिक्शनरी का मेथड हमने अगर पढ़ा है तो इन सब के लिए मेथड्स कैसे आए थे इन सब के लिए मेथड्स इसलिए आए थे क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस होती थी जिनके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे फिर ऑब्जेक्ट के लिए हम मेथड को यूज कर रहे होते थे तो लेट सपोज ये हमने क्लास बनाई हुई है क्लास के लिए यहां पर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है और इस तरीके से हम अपना मेथड डिफाइन कर सकते हैं हम लिख सकते हैं डेफ उसके अंदर हम अपने मेथड का नाम लिख सकते हैं वी कैन कॉल आर सेल्फ और जो क्लास के अंदर हम मेथड्स लिखते हैं उसके अंदर हमेशा हम फर्स्ट पैरामीटर अपना सेल्फ पैरामीटर लिखते हैं एंड फिर हमारी मर्जी होती है उसको हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं चाहें तो ना यूज़ करें इस तरीके से हम अपने मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं और यूज करने के लिए हम लिखते हैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अपने मेथड का नाम इस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिमूव दिस प्रिंट लाइन फॉर एग्जाम्पल हम एक मेथड बना सकते हैं दैट सेज़ हेलो अगर मैंने इस तरीके का कुछ मेथड बनाया जो सिंपली कहता है हेलो या जो कहता है वेलकम स्टूडेंट एंड इसे इनफैक्ट वेलकम कह देते हैं इस मेथड को ये कहता है वेलकम स्टूडेंट अभी के लिए सिर्फ वेलकम स्टूडेंट कह रहा है लेट्स सेव इट तो यहाँ पर वेलकम स्टूडेंट को कॉल करने के लिए हम लिख सकते हैं एस वन डॉट वेलकम और इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं अच्छा जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे हमारे पास एरर आएगा कि वेलकम टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट वन वॉज गिवन कि हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे बेसिकली यहाँ पर वेलकम के अंदर हमें सेल्फ को सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेल्फ पैरामीटर हमेशा हम सबसे पहले लिखते हैं लेट्स सेव इट एंड रन नाउ तो वेलकम स्टूडेंट हमारे लिए आकर प्रिंट हो गया चाहे हम सेल्फ को अंदर यूज कर रहे हो चाहे ना यूज कर रहे हो हर मेथड के अंदर हम सेल्फ को जनरली लिख रहे होते हैं अब सेल्फ को यूज करते हुए हम उसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे आई कैन टाइप सेल्फ डॉट नेम तो इससे वेलकम स्टूडेंट और फिर स्टूडेंट का नाम हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगा लेट्स सेव इट एंड रन तो ये क्या हुआ हमारा पूरा मेथड एग्जीक्यूट हो गया उसी तरीके से हम एक मेथड बना सकते हैं डेफ गेट मार्क्स ये सेल्फ आ गया हम प्रिंट कर सकते हैं या ये फंक्शन क्या करता है ये फंक्शन रिटर्न करता है सेल्फ डॉट मार्क्स सेल्फ डॉट मार्क्स को रिटर्न कर रहा है तो यहाँ हम प्रिंट करवा सकते हैं एस वन डॉट गेट मार्क्स एंड इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगी मिनिमाइज़ बिट एंड इसे जब हम रन करेंगे तो हमारे लिए मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे स्टूडेंट के तो इस तरीके से हम अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर और फिर हम उन्हें यूज कर सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट्स तो अभी तक जो जो हमने सीखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारी जो क्लासेस होती है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्रिएट करते हैं जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हमेशा एक कंस्ट्रक्टर होता है अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है इस प्रोग्रामर तो पाइथन ऑटोमेटिकली हमारे लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा अगर हमें खुद का कंस्ट्रक्टर चाहिए कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के लिए होता है यानी अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं जैसे अगर हम कुछ नए एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो काम हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं इस तरीके से हम अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं दो तरीके कंस्ट्रक्टर होते हैं डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर होता है दैट इज द सेल्फ पैरामीटर जिसका मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है एंड उसके बाद हम डिफरेंट पैरामीटर्स ले सकते हैं अपने एट्रीब्यूट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं एक होते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स एक होते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स उसके अलावा क्लास के अंदर हम अपने मेथड्स को क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उन्हीं को हम मेथड्स कहते हैं मेथड्स के अंदर हम हमेशा सेल्फ को लिख रहे होते हैं ये जो मेथड्स होते हैं ये हमारी क्लास के फंक्शन होते हैं जैसे ये हम मेरा पहला मेथड हो गया इसी तरीके से हम कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एस टू भी बना सकते थे उसके लिए हम दोबारा से अपने मेथड को कॉल कर सकते थे तो क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने कवर किया है तो एक बार एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो द क्वेश्चन इज टेलिंग अस टू क्रिएट स्टूडेंट क्लास दैट टेक्स नेम एंड मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स तो हम क्या कर सकते हैं क्लास बना सकते हैं इसे हम कह देंगे स्टूडेंट इसके अंदर बेसिकली हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वील डिफाइन आर कंस्ट्रक्टर अंडर स्कोर अंडर स्कोर इनिट इनट के अंदर सबसे पहले तो सेल्फी आ जाएगा उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि हमें नेम पास करना है और फिर तीन सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स पास करने हैं या तो हम तीन अलग अलग वेरिएबल्स पास कर सकते हैं नहीं तो हम चाहें तो एक प्रॉपर लिस्ट भी पास कर सकते हैं विल ट्राई द लिस्ट मेथड सब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स इन कंस्ट्रक्टर

तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहे होंगे नाइनटी नाइन नाइनटी एट सेवन इस तरीके से मार्क्स हमारे पास आ रहे होंगे तो यहां हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाकर भी देख लेते हैं एस वन इज इक्वल टू स्टूडेंट एंड इसके अंदर वैल्यूज पास कर देते हैं पहले तो हम स्टूडेंट के का नाम पास कर सकते हैं इट्स कॉलम टोनी स्टार्क एंड फिर मार्क्स पास कर देंगे 99, 98, 97 इस तरीके से तो लेट्स सेव इट अब सेकंड पार्ट हमें कह रहे हैं टू क्रिएट अ मेथड टू प्रिंट द एवरेज तो इसी के अंदर वी आर गोइंग टू डिफाइन इट्स कॉल इट गेट एवरेज इसके अंदर सेल्फ तो आएगा ही सेल्फ के अलावा हमें कुछ और लेने की जरूरत नहीं है एवरेज के लिए तो यहां पर सबसे पहले तो हम सम कैलकुलेट करेंगे द सम इज गोइंग टू बी सेल्फ डॉट मार्क्स या एक लूप रन कर सकते हैं सेल्फ का सम लेने के लिए हम एक लूप रन कर सकते हैं शुरुआत में सम इज इक्वल टू जीरो फॉर वैल्यू इन मार्क्स आई कैन एड ऑल द वैल्यूज इन माई मार्क्स एंड देन प्रिंट हाई प्रिंट द नेम फर्स्ट हाई डॉट नेम योर स्कोर इज या योर एवरेज स्कोर इज divided by थ्री यहां पर भी इसे सेल्फ डॉट मार्क्स कर देते हैं तो बेसिकली गेट एवरेज हमने एक मेथड बना लिया मेथड के अंदर सेल्फ तो आएगा ही सम से पहले हमने सारे के सारे सेल्फ डॉट मार्क्स ये जो लिस्ट थी इसका हमने सारी वैल्यूज का सम कैलकुलेट किया और फिर एवरेज को प्रिंट करवा दिया लेट्स सेव सेव इट एंड कॉल किया किया रन दियाज स्कोर इज नाइनटी एट पॉइंट जीरो क्या हो गया एवरेज स्कोर मेरे लिए कैलकुलेट होकर आ गया ऑल्सो एडिशनली जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस नेम इज माई एट्रीब्यूट एस वन के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट अगर कल को मुझे जाकर इस नाम को भी चेंज करना है अगर लेट सपोज मैं एस वन डॉट नेम को चेंज करके करना चाहती हूँ आयन मैन एंड उसके बाद इफ़ आई कॉल एस वन डॉट एवरेज मार्क्स तो मेरी एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैं डायरेक्टली भी चेंज कर सकती हूँ लेट सेव इट एंड रन इट तो ये क्या हुआ अब मेरा नाम यहाँ पर डिफरेंट प्रिंट होकर आ रहा है तो इस तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज करना उनको मैनिपुलेट करना भी पॉसिबल है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी स्टैटिक मेथड्स अभी तक जो हमने मेथड्स देखे हैं जैसे हमारा गेट एवरेज मेथड हो गया कोई और मेथड हो गया ये सारे के सारे नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं यानी नॉर्मल मेथड्स अब हम एक स्पेशल टाइप के मेथड के बारे में बात करने वाले हैं विच आर कॉल्ड स्टैटिक मेथड्स स्टैटिक मेथड्स आर मेथड्स दैट डोंट यूज द सेल्फ पैरामीटर अभी तक हमने देखा हर मेथड के अंदर कुछ इस तरीके से हमारे जो सेल्फ पैरामीटर है ये हमें हमेशा लिखना पड़ता है पर अगर हम यूज ही नहीं करना चाहते सेल्फ को फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक फंक्शन बनाता है बनाना है हेलो और उसके अंदर मैं सिर्फ प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो अगर हमने ऐसा कुछ लिखा और फिर हमने इसे यूज करने की कोशिश की इफ़ आई ट्राई टू राइट एस वन डॉट हेलो दिस विल गिव मी एन एरर रन किया आई गेट एन एरर वाई एम आई गेटिंग एन एरर क्योंकि बाई हेलो के अंदर सेल्फ होना चाहिए जो हमने नहीं लिखा पर इस फंक्शन के अंदर सेल्फ का कोई सेंस नहीं बनता तो इसीलिए हम इसे स्टैटिक मेथड बना सकते हैं इस मेथड को हम चेंज कर सकते हैं टू अ स्पेशल कैटेगरी तो जो हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनके अंदर सेल्फ पैरामीटर नहीं होता एंड दे वर्क एट क्लास लेवल मतलब वो ऑब्जेक्ट लेवल पे काम नहीं करते तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं ले सपोज ये हमारी क्लास है ये हमारी ऑब्जेक्ट वन है दिस इज माई ऑब्जेक्ट टू दिस इज माई ऑब्जेक्ट थ्री जो सेल्फ है वो तो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है ना तो यहाँ पे सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट वन है यहाँ पे सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट टू है यहाँ पे सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट थ्री है पर अगर आप ऐसा मेथड बना रहे हो जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है जैसे हेलो प्रिंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का तो कोई एट्रीब्यूट या कुछ और यूज कर ही नहीं रहे तो उसे क्या करो ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं अब उसे क्लास लेवल पे ले आओ तो इसीलिए जो क्लास लेवल पे मेथड्स होते हैं उनको हम स्टैटिक मेथड्स कहते हैं स्टैटिक मेथड्स को बनाने के लिए हम लिखते हैं एट द रेट स्टैटिक मेथड दिस इज अ डेकोरेटर डेकोरेटर क्या होता है वो भी हम बात करेंगे बेसिकली डेकोरेटर लिखकर हम ये बता रहे हैं कि हम स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना चाहते हैं फिर अपना हम नॉर्मली स्टैटिक मेथड क्रिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर इस हेलो के अंदर एरर को हटाने के लिए मुझे सिंपली लिखना है एट द रेट स्टार्टिंग यहाँ सजेस्ट भी हो रहा है वॉट इज दिस इट कन्वर्ट्स अ फंक्शन टू बी अ स्टार्टिंग मैथड ये एक ऐसा डेकोरेट है विच कन्वर्ट्स अ नॉर्मल फंक्शन टू बी अटार्टिंग मैथड अब अगर मैंने इसे सेव किया और रन किया तो कोई एरर नहीं आएगा हमारे लिए सिंपली हेलो प्रिंट हो जाएगा सो दिस इज वॉट वी कॉल अ डेकोरेटर इन पाइथन इसके अलावा भी और भी डेकोरेटर्स होते हैं बट डेकोरेटर्स अलाउ अस टू रैप अनदर फंक्शन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ द रैप फंक्शन विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग इट और भी सिंपल भाषा में समझाऊं तो बेसिकली एक फंक्शन है जो डेकोरेटर है जो पैरामीटर में भी फंक्शन लेता है और आउटपुट में भी फंक्शन देता है

जिनके अंदर एज सच सेल्फ की जरूरत नहीं होती तो उन्हें हम क्लास लेवल पे लेके आ सकते हैं और उनके लिए हम स्टैटिक मेथड डेकोरेटर को यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको मैं दो पिलर्स ऑफ ऊप्स कहूंगी दो पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली जब भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं चाहे आपका ऑलरेडी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड है चाहे आपका जावा बैकग्राउंड है या अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं हर लैंग्वेज के अंदर देयर जनरली फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक पिलर होता है एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये चार डेफिनेशन है इनके नाम याद करने मुश्किल है इनका मतलब बहुत आसान है जितना मुश्किल आपको एब्स्ट्रैक्शन एज अ वर्ड याद रखना आ, में दिक्कत होगी मतलब इसका मतलब बहुत ही आसान है कुछ नहीं है मतलब बस इस शब्द को ही याद करना सबसे मुश्किल चीज है ये मान लो बस इंग्लिश है और कुछ नहीं है एब्स्ट्रैक्शन इनकेप्सुलेशन इनहेरिटेंस एंड ये चार पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन खड़ा होता है इनमें से इन दोनों को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे अभी बस एब्स्ट्रैक्शन और इनकेप्सुलेशन को डिस्कस करेंगे बहुत ईजी है एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट abstract का मतलब होता है बेसिकली इंग्लिश के अंदर इसको कह सकते हैं छुपा हुआ या ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है जैसे अगर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपने वर्ड सुना होगा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर के अंदर होता है हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ अ क्लास यानी क्लास के अंदर किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं एग्जैक्टली exactly, वो आपने हाइड कर लिया और आप यूजर को सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखा रहे हो मतलब जो अननेसेसरी चीजें हैं ना जिनकी जरूरत नहीं है यूजर को आपने वो छुपा ली फॉर एग्जाम्पल जब एक गाड़ी चलती है जब एक गाड़ी जब एक इंजन स्टार्ट होता है तो इंटरनली क्या प्रोसेस हो रहा है इंजन के अंदर वो कभी एक ड्राइवर को पता ही नहीं चलेगा मतलब अनलेस अनटिल जाके आप उसको सर्च ना करूँ पर एज सच जब आप क्लच प्रेस करते हो जब आप एक्सेलेटर को प्रेस करते हो तब एज सच हमें इंजन के अंदर एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है फ्यूल के साथ क्या हो रहा है कम्बशन कैसे काम कर रहा है वो सारी चीज़ें हमें दिख नहीं रही पर वो हो तो रही है इंटरनली तो कार वाले ने क्या किया कार मैन्युफैक्चरर ने क्या किया अननेसेसरी चीज़ें जैसे इंजन के अंदर क्या हो रहा है उसके ड्राइवर को एज सच मतलब नहीं है उसे तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो अननेसेसरी डिटेल्स तो छुपा ली और जो नेसेसरी चीजें थी सिर्फ वो दिखाई एसेंशियल चीजें दिखाई यूजर को ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्रिएट अ क्लास डॉट कार कार मैंने क्लास बनाई इसके अंदर लेट सपोज आई क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड स्टार्ट और ये फंक्शन क्या करता है कार को स्टार्ट करता है तो इसके अंदर सबसे पहले यहां सेल्फ ले लेते हैं एंड इनफैक्ट एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं डेफ एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं इन इट इसके अंदर सेल्फ आएगा एंड जैसे ही सेल्फ आएगा हम क्या करेंगे हर कार के अंदर हम एक एक्सेलरेटर क्रिएट करेंगे ये मेरा एक्सेलरेटर है या लेट्स कॉल इट डॉट ए हर कार के अंदर एक एक्सेलरेटर को हम क्रिएट कर सकते हैं शुरुआत में एक्सेलरेटर क्या है हम इसे कह सकते हैं फॉल्स या प्रेस नहीं किया हुआ अभी एक्सेलरेटर को उसके अलावा हर कार के अंदर एक ब्रेक हो सकता है अच्छा ब्रेक इज अ की हम इसे कह देते हैं बी आर के सेल्फ डॉट बी आर के हर कार के अंदर एक ब्रेक होता है शुरुआत में हमने ब्रेक को भी प्रेस नहीं किया हुआ और हर कार के अंदर हमारे पास एक क्लच हो सकता है शुरुआत में क्लच को भी हमने प्रेस नहीं किया हुआ तो ये हमने क्या किया एक कार डिफाइन कर दी अब कार को जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्लच को प्रेस करेंगे तो हमारा सेल्फ डॉट क्लच की वैल्यू पहले हो जाएगी ट्रू के इक्वल उसके बाद हम एक्सेलरेटर को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो सेल्फ डॉट एक्से मतलब डोंट टेक इट लिटरली हम यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड फिर क्या करेंगे कार हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो हम प्रिंट करवा देंगे कार स्टार्टेड ये हमने एक क्लास बना ली नॉर्मल क्लास बनाई कार इसके इनिशियलाइज किया हर कार के अंदर एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच तो होता ही है शुरुआत में सारे फॉल्स है किसी को प्रेस नहीं किया हुआ जब कार को स्टार्ट करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा तब हमें क्लच को भी दबाना पड़ेगा तब हमें एक्सेलेटर को प्रेस करना पड़ेगा और कार हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो लेट्स क्रिएट अ कार वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कार जिसके अंदर हमें कुछ पास नहीं करना और फिर मैं क्या करना चाहती हूँ मैं अपनी कार को स्टार्ट करना चाहती हूँ लेट्स सेव इट एंड रन इट अब जैसे ही मैंने कार को स्टार्ट करने के लिए अपना कोड लिखा कार स्टार्ट हो गई ये चीज प्रिंट हो गई पर बैकग्राउंड के अंदर ये जो अननेसेसरी स्टेप्स थे कि क्लच को पहले ट्रू किया एक्सेलरेटर को पहले ट्रू किया ये तो यहां पे मुझे आज सच पता नहीं चल रही ये सारे स्टेप्स कहां पे ये सारे स्टेप्स तो क्लास के अंदर है क्लास के बाहर तो कोई अननेसेसरी चीज प्रिंट नहीं हुई ना क्लास के बाहर कुछ ऐसी चीज मुझे दिखाई नहीं दी जो इंटरनली इंप्लीमेंट हो रही है सो अज्यूमिंग दैट दिस इज एन ऑटोमेटिक कार ये जो अननेसेसरी डिटेल्स थी ये हाइड हो गई और सिर्फ जो नेसेसरी चीजें थी जिनकी मुझे जरूरत थी कार को स्टार्ट करने के लिए उनकी मेरे पास एक्सेस थी दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन पे हमने क्या किया अपने कोड के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया यही होता है एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली कोड के अंदर जब आप अननेसेसरी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर लो एंड सिर्फ जरूरी चीजें दिखाओ यूजर को उसे हम एब्स्ट्रैक्शन कह देते हैं सेकेंड होता है एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन इसके अंदर कैप्सूल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बेसिकली हम एक कैप्सूल बना लेते हैं लेट मी ट्राई टू क्रिएट दिस कैप्सूल ऑफ डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस का हम एक कैप्सूल बना लेते हैं इन अ सिंगल यूनिट व्हाट इज दिस दिस इज माय कैप्सूल एंड इसी को हम एनकैप्सुलेशन कह देते हैं बेसिकली हमने एक क्लास बना दी जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं जिसके अंदर मेथड्स भी हैं और उसी की हम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहे हैं जो जो अभी तक हम करते आए हैं जो अभी तक इस लेक्चर के अंदर हमने पूरा कोड लिखा है दैट वाज ऑल एनकैप्सुलेशन जब भी हम कोई क्लास बना रहे हैं उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी हैं उसके अंदर मेथड्स भी हैं वो हमने क्या कर दिया एनकैप्सुलेशन कर दिया तो एनकैप्सुलेशन इज रैपिंग डेटा एंड द फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट व्हिच इज माय ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका रिलेटेड डेटा भी है एंड रिलेटेड फंक्शंस भी हैं और वो

या अगर आपका कोई एग्जाम है कॉलेज के अंदर पाइथन का तो उसके अंदर भी डेफिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट उसको हम याद कर सकते हैं नेक्स्ट अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट क्लास विद टू एट्रीब्यूट्स एक अकाउंट नाम की ये बेसिकली बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होंगे एक तो बैलेंस होगा हमारा बैंक बैलेंस एंड एक हमारा अकाउंट नंबर दो एट्रीब्यूट्स हमें क्रिएट करने हैं उसके बाद हमें क्रिएट करने हैं मेथड्स जिससे हम अकाउंट से कुछ भी अमाउंट डेबिट कर सके क्रेडिट कर सकें डेबिट मतलब अकाउंट के अंदर से वैल्यू को घटा लेना क्रेडिट मतलब कुछ बैलेंस के अंदर ऐड कर देना एंड फिर एक और मेथड हमारे पास होगा विच प्रिंट्स द बैलेंस तो ये सारे की सारी चीजें हम क्रिएट करने वाले हैं तो सबसे पहले अपने लिए एक क्लास बना लेते हैं अकाउंट अकाउंट क्लास के अंदर सबसे पहले तो अपना एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं इसके अंदर विल हैव सेल्फ उसके अलावा हमारे पास बैलेंस आएगा लेट्स कॉल इट बी एल एंड उसके बाद हमारे पास अकाउंट नंबर आएगा तो सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू दिस वैल्यू तो अगर मुझे किसी भी अकाउंट को क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई अकाउंट वन या ए सी सी वन फॉर कस्टमर वन तो हम इस तरीके से अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं पहले तो हमें बैलेंस पास करना पड़ेगा बैलेंस के अंदर कोई नंबर पास कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने टेन थाउजेंड की एक अमाउंट है जिसको ऐड किया अपने बैंक अकाउंट के अंदर और फिर हमारा अकाउंट नंबर लेट सपोज वन टू थ्री फोर या लेट्सपोज़ वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज़ माई अकाउंट नंबर ये हमारे पास आ गया अब हम चाहें तो अपने यूजर के लिए अकाउंट वन के लिए उसका बैलेंस भी प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली एंड हम चाहें तो उसके लिए उसका अकाउंट नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं सो आईव सक्सेसफुली क्रिएटेड माय क्लास एंड ऑब्जेक्ट अब इसके अंदर मुझे तीन मेथड्स को ऐड करना है फॉर डेबिट क्रेडिट एंड प्रिंटिंग द बैलेंस सबसे पहले अपना डेबिट मेथड हम क्रिएट करते हैं डेफ डेबिट डेबिट के अंदर हमें सेल्फ को यूज करना पड़ेगा क्योंकि जब भी अमाउंट डेबिट होगी मतलब अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं बैंक अकाउंट से तो बैलेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी और बैलेंस किसके पास है बैलेंस है हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक अकाउंट का अलग बैलेंस है दूसरे अकाउंट का अलग बैलेंस है तीसरे अकाउंट का अलग बैलेंस है तो यहाँ पे बैलेंस से अमाउंट डिक्रीज होगी लेट सपोज दिस इज द अमाउंट दैट वी वॉन्ट टू टेक आउट फ्रॉम आर अकाउंट तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले बैलेंस से यानी सेल्फ डॉट बैलेंस से हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे एंड फिर बेसिकली हम प्रिंट कर सकते हैं रुपीस आर एस अमाउंट वॉज डेबिटेड या फ्रॉम योर अकाउंट ठीक है इट इज़ गिवन तो ये हमारा डेबिट मेथड हो गया एंड कुछ इसी तरीके का हमारा क्रेडिट मेथड होने वाला है दिस इज माई क्रेडिट मेथड इसके अंदर हम किसी अमाउंट को एड करने वाले हैं अच्छा दिस विल बी माइनस इक्वल टू ये हमारे पास प्लस इक्वल टू हो जाएगा इस अमाउंट को हमने अपने बैलेंस के अंदर एड कर दिया एंड यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटेड बेसिकली एड हुई है ये अमाउंट एंड फिर एक फंक्शन बना लेंगे विच रिटर्न द फाइनल बैलेंस गेट बैलेंस एंड ये बेसिकली क्या करता है ये रिटर्न करता है सेल्फ डॉट बैलेंस को इनफैक्ट हम चाहें तो यहां पर भी हम कॉल कर सकते हैं जैसे हमने प्रिंट कर दिया डेबिटेड उसके बाद हम प्रिंट करवा सकते हैं टोटल बैलेंस इज इक्वल टू और यहाँ पे हम गेट या सेल्फ डॉट गेट बैलेंस को कॉल कर लेंगे सेम चीज़ हम यहां पर प्रिंट करवा सकते हैं तो हमारा जो इंटरनल ही मेथड था उसी को कॉल करके जब भी कोई भी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होगी हम अपना फाइनल बैलेंस जो है उसे प्रिंट करवा लेंगे सो दिस इज़ माई अकाउंट क्लास इसके अंदर बैलेंस एंड अकाउंट नंबर है फिर मैंने अमाउंट डेबिट की है डेबिट की तो बैलेंस से हट गई प्रिंट होकर आ गया एंड फाइनल बैलेंस आ गया क्रेडिट हुई तो ऐड हो गई बैलेंस में प्रिंट हो गया आ गया एंड फाइनल टोटल बैलेंस आ गया एंड ए गेट बैलेंस का इंटरनल फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है लेट्स ट्राई टू डू सम थिंग्स पहले सबसे पहले अकाउंट के अंदर हम लेट्स सपोज डेबिट करना चाहते हैं हम इसके अंदर से आई वॉन्ट टू टेक आउट थाउजेंड रुपीज़ उसके बाद में क्या करना चाहती हूँ इसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो क्या होगा पहले थाउजेंड रुपीज़ जब हम डेबिट करेंगे तो यहाँ प्रिंट आएगा रुपीज़ थाउजेंड वॉज डेबिटेड टोटल बैलेंस कितना रह गया नाइन थाउजेंड रह गया उसके बाद फाइव हंड्रेड हमने क्रेडिट कर दिया अकाउंट के अंदर एड कर दिए तो टोटल बैलेंस नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया उसके बाद लेट सपोज़ हमारी सैलरी आ जाती है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ लेट सपोज माई सैलरी इज़ फोटी थाउजेंड को सेव किया री एग्जीक्यूट तो जो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड था उसके अंदर फोर्टी थाउजेंड हो गया इट बिकम्स फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद दोबारा से आई हैव टू पे माय रेंट आई माइट बी स्पेंडिंग अबाउट टेन थाउजेंड एंड द साइकिल रिपीट्स द टोटल बैलेंस चेंजेस तो इस तरीके से हमने अपनी एक क्लास बना ली है उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए ये तो सिंगल अकाउंट था इस तरीके से मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं इनफैक्ट कई सारे लोग जो स्टार्टर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं जैसे जब भी हम कोई फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं जावा सीखते हैं पाइथन सीखते हैं सी प्लस से सीखते हैं तो उसके अंदर जनरली स्कूल्स के अंदर भी हम सीखते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम सीखते हैं तो जो सबसे बेसिक प्रोजेक्ट होता है स्टूडेंट्स इसी तरीके का कुछ बैंकिंग सिस्टम बना लेते हैं या कुछ और सिस्टम बना लेते हैं जिसमें ऐसे ही क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएटेशन पर ही बेस्ड होते हैं वो प्रोजेक्ट्स जिसमें इसी तरीके से आप अकाउंट क्लास बना लेते हैं आपका बैलेंस अपडेट हो रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं बट दिस इज बेसिकली अ डेमो ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन रिलेट टू रियल वर्ल्ड सिन मतलब ये सारी चीज़ें ठीक है हम डेबिट का फंक्शन बना सकते थे हम क्रेडिट का फंक्शन अलग से बना सकते थे हम गेट बैलेंस का भी फंक्शन बना सकते थे पर फिर हर अकाउंट के लिए उसका बैलेंस स्टोर करना उसका अकाउंट नंबर स्टोर करना हमें कहीं पे लिस्ट यूज करनी पड़ जाती कहीं पे डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ जाती कहीं पे कुछ और यूज करना पड़ जाता चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाती पर एक रियल वर्ल्ड सीनारियो के हिसाब से क्लास एंड ऑब्जेक्ट को इस केस में इस एग्जाम्पल के अंदर यूज करना बिल्कुल सेंस बनाता है नहीं तो हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर फंस के रह जाते सो दिस इज हाउ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस लॉजिकली टू ऑर्गेनाइज आर कोड इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर तो ये सारी क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक चीजें थी जिनको हमने इस पार्ट वन के अंदर कवर किया है और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की जैसे इनहेरिटेंस हो गया जैसे पॉलिमोर्फिजम हो गया इनफैक्ट कैसे हम प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं कैसे प्राइवेट मेथड क्रिएट कर सकते हैं डिलीट कैसे करते है किसी attribute चोटी -चोटी हैं किसी एट्रीब्यूट को ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम कवर करेंगे अपने पार्ट टू के अंदर तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग